बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया बी कुचो ब्राइडल हेवी मिक्सी विथ 14 पैनल्स कंप्लीट आर्टिकल है ये, इंडियन रॉ सिल्क पे बना हुआ है। सबसे पहले इसका प्रिंटेड दुपट्टा है प्योर ऑर्गेन्जा का विद दिस काइंड ऑफ मोटिव्स ऑल ओवर दुपट्टा। पूरे दुपट्टे पे इस टाइप के सीक्वेंस और रेशम के एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स हैं और ये सीक्वेंस का पूरा नेट बना हुआ है। कलर आप देख सकते हैं जो भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इन एडिशन टू दिस इसके ये टू पल्लू हैं, पल्लू एक्सटेंशन से भी इसके एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सीक्वेंस एंड रेशम वर्क लाइक दिस वन। नाउ लेट मी शो यू इट्स फोर साइड हैवी बॉर्डर दैट आर डन ऑन रॉ सिल्क फैब्रिक और इसमें आपको ये सीक्वेंस और रेशम का वर्क नज़र आएगा। फिर इसके ये लेंथ साइड के बॉर्डर्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस दुपट्टा। जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, स्टिच करेंगे, तो सेम आपका मॉडल पिक्चर जैसे दुपट्टा बन जाएगा। नाउ लेट मी शो यू इट्स फ्रंट बॉडी और ब्लाउज। लहंगा चोली भी बन सकती है, मैक्सी भी बन सकती है। एक इधर ले आओ, उठा के इधर ले। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत इंडियन रॉ सिल्क पे ये सी ग्रीन सा शेड है, इससे थोड़ा सा लाइटर जो नज़र आ रहा है। पूरा ये क्रिस्टल वर्क है एंड दैट इज़ ऑल डन विथ हैंड एम्बेलिशमेंट्स लाइक अड्डा वर्क पे है ये। और ये इसकी बैक साइड है, इस पर पन्नी वर्क नज़र आएगा आपको और रेशम का वर्क नज़र आएगा। इन एडिशन टू दिस ये रॉ सिल्क पे इसका हैंड एम्बेलिश्ड स्टोन वर्क और ये डायमंड के साथ नेक लाइन है। सो दिस विल बी योर ब्लाउज और मैक्सी की जो बॉडी बनेगी। इसके आप पैनल्स काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 पैनल्स के साथ ये हैवी मैक्सी है। और इसकी ये लहंगा या मैक्सी का जो बॉटम है, इस पर टू हैंड एम्बेलिश्ड ये एक्सटेंशंस हैं दैट आर अगेन डन ऑन रॉ सिल्क। इस पर ये सारा क्रिस्टल वर्क है और कलर आपको नज़र आ रहा है। सेकेंड वाली ये एक्सटेंशन है, दिस इज़ अगेन डन विथ क्रिस्टल वर्क और ये सारा अड्डे का काम है। इस तरह से ये दो एक्सटेंशन आ गई। उसके बाद आपको एक पैनल की सेटिंग शो कर देती हूँ। 7 के 7 पैनल सेम सेटिंग में होंगे। अब आप ये देखते जाएं, ये इस पर क्रिस्टल डायमंड्स कट दाना पर्ल्स, इसकी जो एक पैनल की विड्थ है वो भी अच्छी खासी है, मतलब आपका ऑलमोस्ट 6 yards का फ्लेयर बन जाएगा। वेरी परफेक्ट आर्टिकल फॉर मेहंदी ओकेजन। इस पर आपको बारीक और नफीस काम मिलेगा, कहीं भी ये थ्रेड्स या इस तरह की फिनिशिंग का भी इशू नहीं है और इसके नीचे लाइनिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपके सारे पैनल आ जाएंगे। उसके बाद आ जाती है इसके बैक साइड के पैनल। बैक साइड पे हैंडवर्क नहीं है, हैंडवर्क के अलावा पूरे का पूरा पैनल जो है वो सेम सेटिंग में आ जाएगा। ऐसे ही 7 पैनल्स आ जाएंगे और बैक साइड की भी 2 एक्सटेंशंस हैं। दिस इज़ एक्सटेंशन नंबर 1 एंड हेयर इज़ एक्सटेंशन नंबर 2। अच्छा, इस एक्सटेंशन को आप माथा पट्टी पे यूज़ कर लें, ये एक हैंड एम्बेलिश्ड एक्सटेंशन है। इस तरह आपका दुपट्टा भी हैंडवर्क के साथ आ जाएगा ये वाला। और एक एक्सटेंशन जो मैंने ऐसी प्लेन दिखाई है वो आप बैक साइड पे यूज़ कर लेंगे इसके साथ। तो जो आई हैव शोन यू दिस कंप्लीट आर्टिकल। अच्छा, इसकी स्लीव्स आपको इसी ड्रेस इसी में से बनेगी, आपकी स्लीव्स जो मैंने आपको फैब्रिक शो किया था। ये स्लीव्स का फैब्रिक है, स्लीव्स पे सारा फुल हैंडवर्क है। ये स्लीव्स का फैब्रिक अलग है और बॉडी का फैब्रिक अलग है। जो मैंने पहले दिखाया था वो अलग था, ये स्लीव्स की डबल साइड है, यानी दोनों स्लीव्स टोटली हैंड एम्बेलिश्ड हैं।